तो पिछले दिन हमने एक घड़ी बनाई थी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और उस घड़ी में हमने दो मिरर्स कुछ एक पाइप के अंदर में लगाए थे, और उसकी लंबाई ऐसी ली थी कि एक सेकेंड में यहाँ से लाइट का की पल्स चल करके यहाँ पहुँचे और फिर से वापस यहाँ पहुँचे, और हर बार जब यहाँ पहुँचे तो एक सेकेंड गुजरे, इस प्रकार के हमने बनाई थी। और इस घड़ी को हमने एक दूसरे फ्रेम से देखा था, जिस फ्रेम में ये घड़ी चल रही थी, इस प्राइम फ्रेम से देखा था, इस फ्रेम में ये घड़ी स्थिर थी। और दूसरे फ्रेम से जब हमने देखा तो एक फ्लैश से M1 पर अगले फ्लैश तक आने में जो समय लगा वो हमने निकाला था। तो अगर उस पाइप के अपने फ्रेम में, उस घड़ी के अपने फ्रेम में समय इतना लगता है, तो इस प्राइम फ्रेम में समय उससे ज़्यादा लगता है, ये हमने चर्चा की थी। और इसलिए एस प्राइम फ्रेम के अनुसार ये घड़ी स्लो चल रही है, ये हमने चर्चा की थी। तो एस प्राइम में और एस में तो केवल नाम का फर्क है, सभी इनर्शियल फ्रेम्स एक जैसे होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि एस प्राइम से देखने पर स्लो होती है और एस से देखने पर स्लो नहीं होती है। आप किसी भी फ्रेम से देखो, अगर घड़ी गतिमान है, अगर घड़ी का स्थान जो है वो बदल रहा है, तो उस जिस फ्रेम से आप देख रहे हैं उस फ्रेम से देखने पर, तो वो घड़ी स्लो चलती हुई दिखेगी। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, और हम अब दो घड़ियां लेते हैं, एक एस में फिक्स्ड और एक एस प्राइम में फिक्स्ड, और अब हम ये देखते हैं कि एस वाले को एस प्राइम की घड़ी कैसी दिख रही है और एस प्राइम वाले को एस की घड़ी कैसी दिख रही है, कौन सी स्लो चल रही है और कौन सी सही समय पर चल रही है। तो अगर हमारी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सही है तो रूल इज़ रूल, चाहे आप एस में अप्लाई करो या आप एस प्राइम में अप्लाई करो, एक ही रूल है। तो अगर रूल है कि चलती हुई घड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, तो एस कहेगा, एस का प्रेक्षक, एस का ऑब्जर्वर बताएगा कि मेरी घड़ी तो बहुत अच्छी है, एस प्राइम वाली घड़ी ख़राब है, वो स्लो चल रही है। लेकिन एस प्राइम का ऑब्जर्वर बताएगा कि नहीं नहीं, मेरी घड़ी बहुत अच्छी है, एस की घड़ी ख़राब है, क्योंकि मैं तो स्थिर हूँ, ये एस है जो कि चलायमान है। तो हम इसको थोड़ा, इसकी चर्चा करेंगे। तो हम दोनों फ्रेम में एक एक घड़ियाँ लगा देते हैं। मान लें कि हमारे पास ये फ्रेम है और इस फ्रेम में एक घड़ी है, बिल्कुल आइडेंटिकल घड़ी, वैसी ही हम दोनों फ्रेम्स में लगाने वाले हैं। ये एस फ्रेम है और ये एस प्राइम फ्रेम है, और हमेशा की तरह एस प्राइम फ्रेम एस की अपेक्षा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से चल रहा होगा, और इसमें एक वैसी ही बिल्कुल आइडेंटिकल पाइप फिक्स्ड है और वैसे ही मिरर M1, M2 लगे हुए हैं, उसी प्रकार से मिरर यहाँ M1 और यहाँ M2, यहाँ M1 प्राइम, यहाँ पर M2, ये मिरर M2, और यहाँ पर वैसा ही मिरर M2 प्राइम, ये मिरर्स लगे हुए हैं। यहाँ भी एक पल्स है जो आ रही है और जा रही है, लाइट की पल्स है जो आ रही है और जा रही है, यहाँ भी लाइट की पल्स है जो आ रही है जा रही है, बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। और वैसा ही हाफ लाइट सेकेंड का ये डिस्टेंस L है, पाइप की लंबाई L है, ये L, ये हाफ लाइट सेकेंड है, जैसे इसने कंस्ट्रक्ट किया है हाफ लाइट सेकेंड का, उसी तरह इसने भी बिल्कुल वैसा ही कंस्ट्रक्ट किया है हाफ लाइट सेकेंड का। और जब S से हम देखते हैं, मेरा ऑब्जर्वर, मेरा प्रेक्षक एस में है और वो एस की ही पाइप को देख रहा है, यानी अपनी अपेक्षा स्थिर, जिस फ्रेम में वो पाइप स्थिर है उसी फ्रेम में प्रेक्षक भी बैठा हुआ है, तब उसको जो डेल्टा टी लगेगा, समय मिलेगा, वो होगा इतनी दूरी जाना, इतनी दूरी आना, 2L/C,
और ये बनेगा एक सेकेंड। लेकिन यही प्रेक्षक जब इसको देखेगा तो कहेगा कि जिस समय पल्स यहाँ से चलती है उस समय में मैं ये मिरर उस समय यहाँ पे रहता है, लेकिन दोबारा चल करके जब तक यहाँ आती है तब तक ये मिरर यहाँ से खिसक करके यहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि ये पूरी पाइप वी वेलोसिटी से दाहिनी तरफ जा रही है। और इसलिए इसके अनुसार जब हम काम करेंगे इसके अनुसार, तो पहला पल्स अगर जिस समय निकला उस समय पाइप यहाँ थी, तो वो पल्स जब दोबारा पहुँचेगी तो पाइप यहाँ होगी। जिस समय में ये पल्स यहाँ से चली है उस समय अगर ये यहाँ है, तो जिस समय ये पल्स दोबारा यहाँ पहुँच रही है उस समय ये कुछ दूर चली जाएगी। और इसलिए इसका जो परावर्तन हुआ है वो भी यहाँ नहीं होकर के यहाँ कहीं पर हुआ होगा, जिस समय पाइप यहाँ रही होगी, ये M2 यहाँ पर रहा होगा, लाइट को ऐसे जाना पड़ा होगा, ज़्यादा दूरी चलना पड़ा है लाइट को, और इसलिए ज़्यादा समय लगेगा लाइट को, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी यहाँ से देखने पर, इस लाइट की वेलोसिटी यहाँ से देखने पर भी सी ही मिलने वाली है। सेकेंड पॉस्टुलेट, दूसरा अभिगृहित है कि सभी इनर्शियल फ्रेम्स में लाइट की स्पीड एक ही होती है सी के बराबर, तो इस पल्स की, इस लाइट की भी स्पीड यहाँ से देखने पर सी है, ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसलिए डेल्टा टी प्राइम जो है वो इस डेल्टा टी से अधिक है, और इसलिए एस प्राइम की घड़ी स्लो है और एस की घड़ी सही है। लेकिन एस प्राइम का जो ऑब्जर्वर है उसकी भी बात हम सुन सकते हैं, उसका क्या कहना है? तो एस प्राइम के ऑब्जर्वर का क्या कहना होगा? एस प्राइम के ऑब्जर्वर का कहना होगा कि एस प्राइम तो ठीक है, ऑब्जर्वर यहीं पर है, इसलिए एस प्राइम का फ्रेम तो ये है। एस का फ्रेम जो है वो पीछे की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वी वेलोसिटी से ऐसा चल रहा है, तो जो पाइप यहाँ है वो तो यहाँ पर फिक्स्ड है। अब हम एस प्राइम के ऑब्जर्वर के हिसाब से बात कर रहे हैं, जिसमें ये एस पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ जो ये पाइप है ये पाइप तो फिक्स्ड है, लेकिन ये जो पाइप है जो यहाँ पर इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ में फिक्स्ड है, ये पाइप इस फ्रेम के साथ वी वेलोसिटी से पीछे जा रही है। तो एस प्राइम क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि यहाँ से जब पल्स चली तो सीधी ऊपर गई, वाई डायरेक्शन में सीधी ऊपर गई, और वहाँ से परावर्तित होकर के फिर से यहाँ पर आ गई। तो इसलिए कितना समय लगा पल्स को इस M1 प्राइम से चल करके, ये M1 प्राइम मिरर है, ये M2 प्राइम मिरर है, यहाँ से चल के यहाँ जाने में और फिर यहाँ से चल करके यहाँ आने में, इन्होंने वन लाइट सेकेंड की टोटल दूरी तय की है, और इसलिए इसको एक सेकेंड का समय लगेगा। और एस प्राइम का ऑब्जर्वर जब इस पाइप को देखेगा तो पाएगा कि जिस समय यहाँ से इस मिरर से पल्स चली उस समय ये पाइप यहाँ थी, लेकिन जिस समय ये इस पर वापस आई तब तक उतनी देर के अंदर में ये पूरा फ्रेम पाइप सहित खिसक चुका है, और इसलिए ये पाइप जो है अब यहाँ पहुँच गई है। और इसलिए जो परावर्तन जिस समय हुआ M2 प्राइम से, उस समय में ये पाइप ज़रूर यहाँ कहीं पर रही होगी, और या ये लाइट जो है S प्राइम की अपेक्षा मैं बात कर रहा हूँ, ये लाइट जो है ये यहाँ से चल करके और सीधी यहाँ पहुँची होगी पहले, और तब यहाँ से परावर्तन होकर तब यहाँ पहुँची होगी, ये S प्राइम फ्रेम, ये S फ्रेम जो कि इधर को चल रहा है V वेलोसिटी से। तो S प्राइम ने क्या देखा कि मेरी घड़ी तो एक सेकेंड में टिक करती है, और इनकी घड़ी जो है एस वाली जो घड़ी है, एस वाली घड़ी एक सेकेंड से ज़्यादा समय लेगी टिक करने में, क्योंकि यहाँ से पल्स निकल करके फिर इसी पर दोबारा पल्स आने में, यहाँ पल्स आने में इसको कितना दूरी चलनी पड़ी है, वो अधिक दूरी चलनी पड़ी है। तो डेल्टा टी प्राइम बराबर डेल्टा टी बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो कौन सी घड़ी स्लो चल रही है? एस घड़ी, एस वाली घड़ी धीमी चल रही है,
धीमी दर से चल रही है, और एस प्राइम की घड़ी ठीक है, सही चल रही है। एस ने क्या देखा था? एस ने देखा था कि एस प्राइम की घड़ी धीमी चल रही है, एस प्राइम की घड़ी धीमी दर से चल रही है, और एस की घड़ी सही दर से चल रही है। तो एस के अनुसार ये ऑब्जर्वेशंस हैं और एस प्राइम के अनुसार ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसको याद न कीजिए कि एस में धीमी चलती है या एस प्राइम में धीमी चलती है, याद इसको कीजिए, एक ही रूल है दोनों के लिए, जो चलती हुई यानी जो गतिमान घड़ी होती है, एक दिशा में चलती रहती है पूरी घड़ी, वो स्लो चलती है, वो धीमे दर से चलती है। तो इस फ्रेम से देखते हैं तो इस प्राइम गतिमान है तो इस प्राइम की गति धीमी दर से चल रही है, इस फ्रेम से देखते हैं तो एस गतिमान है तो एस की घड़ी धीमी चल रही है। मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, ये रूल है एस में भी और एस प्राइम में भी। ये परिणाम जो मैंने प्राप्त किया है वो एक बहुत विशिष्ट प्रकार की घड़ी के लिए प्राप्त किया है। हमने लाइट के पल्सेस का इस्तेमाल किया है घड़ी बनाने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमने चूंकि इस तरह की घड़ी बनाई है, इस तरह की घड़ी ली है, इसलिए ये घड़ियाँ एक दूसरे की अपेक्षा स्लो चल रही हैं। किसी भी किस्म की घड़ी हो, कैसे भी आप समय अंतराल नापें, ये जो फेनोमेना है, ये जो प्रकृति है कि एक फ्रेम से देखें तो आपकी घड़ी एक दर से चलती है, दूसरे फ्रेम से देखें तो दूसरे दर से चलती है, वो घड़ी की बनावट पर निर्भर नहीं करती है। और अब हम यही चीज़ बताना चाहेंगे कि किसी भी समय अंतराल के लिए, चाहे वो जैसे भी नापा गया हो, ये इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसको हम समय विस्तार कहते हैं। लेकिन उसको करने के पहले हम दो शब्द और इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, और वो हैं प्रॉपर समय अंतराल, प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर समय इन अंतराल, और इसी का जो उल्टा है, नेगेटिव है, इम्प्रॉपर। अगर दो घटनाएं हों तब हम उनके बीच का टाइम इंटरवल या समय अंतराल इसकी चर्चा करते हैं। दो अलग अलग घटनाएं अगर हो रही हैं तो उनके बीच कितना समय गुजरा है उसको हम समय अंतराल कहते हैं। और यदि कोई ऐसा फ्रेम हो जिसमें ये दोनों घटनाएं एक ही स्थान पर हो रही हों, यदि कोई ऐसा फ्रेम हो जिसमें दो घटनाएं
एक ही जगह हो रही हैं, एक ही स्थान पर हो रही हैं। तो एक ही स्थान पर हो रही हैं। हमारा बल्ब दीवार में लगा होता है, हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब ऑन हो जाता है, रोशनी आने लगती है, फिर हम स्विच ऑफ कर देते हैं बल्ब ऑफ हो जाता है। ये दोनों घटनाएं, हमने बल्ब को ऑन, बल्ब ऑन हो गया और बल्ब ऑफ हो गया, ये दोनों घटनाएं एक ही स्थान पर हो रही हैं हमारे कमरे के फ्रेम में। हम अपने फ्रेम में, अपने कमरे में अगर एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं तो हमारे बल्ब के जो निर्देशांक हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, वो फिक्स हो गए हैं कहाँ पर है, कितने मीटर एक्स की तरफ, कितने मीटर वाई की तरफ, कितने मीटर जेड की तरफ, वो बल्ब का जो स्थान है वो फिक्स्ड है इस कमरे के फ्रेम में। यहाँ पर इस बल्ब का ऑन होना और उसके बाद ऑफ होना, उसके बीच जो समय अंतराल गुजरा है उसको इस फ्रेम से जब हम नापते हैं तो वो दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हो रही हैं। हमारा स्विच भी दीवार में एक ही जगह पर लगा होता है, हम स्विच को दबाते हैं ऑन करने के लिए और फिर दबाते हैं ऑफ करने के लिए, ये दोनों घटनाएं भी कमरे के फ्रेम में एक ही स्थान पर हो रही हैं। लेकिन अगर कोई साइकिल सवार हमारे बगल से गुजरता है, हम अपने कमरे की खिड़की से उसको देखते हैं और वो साइकिल सवार साइकिल चलाना शुरू करता है और फिर कहीं ले जाकर साइकिल रोक देता है, ये दोनों घटनाएं एक ही स्थान पर नहीं हो रही हैं। कमरे से देखें तो साइकिल चलाना शुरू किया, ये घटना जहां पर हुई यानी जहां से साइकिल चलाना शुरू किया, और साइकिल रोक दी, ये घटना जहाँ पर हुई यानी जहाँ पर साइकिल रोक दी, वो अलग अलग स्थान हैं। तो ये कमरे के फ्रेम से घटनाएं अलग अलग जगहों पर हो रही हैं। तो यदि कोई ऐसा फ्रेम हो जिसमें दो घटनाएं एक ही स्थान पर हो रही हों तो उस फ्रेम में इन घटनाओं के बीच के समय अंतराल को प्रॉपर समय अंतराल कहते हैं। उस फ्रेम में, उस फ्रेम की घड़ियों के अनुसार अगर उन दो घटनाओं को हम देखेंगे और पहली घटना किस टाइम पर हुई है और दूसरी घटना किस टाइम पर हुई है, उसी जगह पर हुई है लेकिन अलग अलग समय पर हुई है, तो वो जो टाइम इंटरवल है उस समय अंतराल को हम लोग कहते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल। और यदि हम किसी ऐसे फ्रेम से देखते हैं दो घटनाओं को जिनमें वो घटनाएं अलग अलग जगहों पर हो रही है तो उस फ्रेम में जो हम समय अंतराल नापेंगे उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर समय अंतराल, यानी इसके इसका उल्टा, इसका नेगेटिव। अगर दो घटनाएं एक ही स्थान पर नहीं हो रही हों, यदि कोई ऐसा फ्रेम हम ले रहे हैं जिसमें दो घटनाएं एक ही स्थान पर नहीं हो रही हों तो उस फ्रेम में जो समय अंतराल नापेंगे उसको इम्प्रॉपर समय अंतराल कहेंगे। तो ये खूब अच्छी तरह हम समझ लें। हमने अभी आपको साइकिल का उदाहरण दिया, यदि साइकिल में भी एक फ्रेम लगा लें हम,
साइकिल में भी एक एक्स एक्सिस बना लें, एक वाई एक्सिस बना लें, एक जेड एक्सिस बना लें, साइकिल का जो हैंडल है वो हमारा वाई एक्सिस हो जाए, साइकिल के जो चक्कों को मिलाने वाली जो लाइन है वो हमारा एक्स एक्सिस हो जाए, ओरिजिन उसी साइकिल के ऊपर कहीं पर हमने फिक्स कर दिया, साइकिल में अगर हमने फ्रेम बना लिया तो फिर साइकिल चलाना जहां शुरू किया था और साइकिल हमने जहां रोकी थी वो दोनों घटनाएं एक ही स्थान पर हो रही हैं, क्योंकि हम साइकिल के फ्रेम से जब साइकिल का कोऑर्डिनेट देखेंगे, साइकिल में ही एक्स वाई जेड एक्सिस बने हैं और हम साइकिल के ही किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो वो साइकिल कहीं भी हो कैसी भी हो वो हमें वहीं पर उतने ही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। साइकिल के फ्रेम में तो साइकिल हमेशा स्थिर ही रहती है, तो जहाँ से साइकिल शुरू हुई थी चलना, अगर वो एक्स बराबर कुछ उसका वैल्यू है, वाई बराबर कुछ वैल्यू है, जेड बराबर कुछ वैल्यू है साइकिल के फ्रेम में, तो साइकिल के फ्रेम में साइकिल जहाँ रुकी है वो भी वही है। तो अगर साइकिल के फ्रेम में देखेंगे तो ये रुकने और चलने की जो दो घटनाएं हैं वो एक ही स्थान पर हुई हैं, और जितना समय लगा है, साइकिल चलना शुरू किया और फिर साइकिल रोक दी, उसके बीच जितना समय गुजरा है उस फ्रेम में वो प्रॉपर टाइम इंटरवल है। लेकिन उसी साइकिल को जब हम अपने कमरे से देखते हैं तब जो शुरू होने में चलना शुरू होने में और रोकने के बीच जितना समय गुजरा है वो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है। दो घटनाओं के बीच का समय अंतराल निर्भर करता है कि कौन से फ्रेम से आप देखते हैं, और तब इसमें रिलेशन है, इसमें रिलेशन है जिसको हम लिखेंगे, इसमें रिलेशन है प्रॉपर टाइम इंटरवल और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल में दो घटनाएं हैं E1 और E2, और इनके बीच जो प्रॉपर टाइम इंटरवल है, प्रॉपर समय अंतराल, और एक इम्प्रॉपर समय अंतराल, तो नियम यह कहता है कि इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल बराबर प्रॉपर टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा वो प्रॉपर टाइम इंटरवल से बड़ा होगा, इस संख्या से भाग लगाने पर जितना आएगा वो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा, और इसको कहते हैं टाइम डाइलेशन या समय विस्तार। ये जो घटना है इसको कहते हैं टाइम डाइलेशन। या समय विस्तार हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से इसका डेरिवेशन करेंगे, इसका निगमन करेंगे। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए या आपको इस बात के ऊपर व्याख्यान देने को कहा जाए कि समय विस्तार क्या होता है बताएं, तो आपको ये बातें कहनी चाहिए, ये बातें बतानी चाहिए। सबसे पहले आप प्रॉपर टाइम इंटरवल इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या होते हैं उनको बताएं, और उसके बाद जो समय विस्तार का रूल है वो ये है, वो ये रूल ये आप बताएं, और तब फिर ये रूल आया कैसे, कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से जो अब हम करने वाले हैं वो बताएं। तो
तो इतना करेंगे तो फिर अच्छी तरह से समय विस्तार आप किसी को भी समझा सकेंगे। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से समय विस्तार के सूत्र का हम निगमन कर रहे हैं। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से हम समय विस्तार का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे कि किसी एक फ्रेम में दो घटनाएं एक ही जगह पर हो रही हैं, तो मान ले कि एस फ्रेम में दो घटनाएं जिनका नाम आप E1 और E2 दे सकते हैं एक ही स्थान पर हो रही हैं। एक ही स्थान पर हो रही हैं। अर्थात यदि आप E1 को देखें तो E1 कहाँ हो रहा है, उसका कोऑर्डिनेट है X, Y, Z और कब, T1 समय पर। और दूसरी घटना E2 जो हो रही है वो भी इसी जगह पर हो रही है X, Y, Z लेकिन कुछ समय बाद हो रही है, तो समय उसका है T2। अब इसको एस प्राइम फ्रेम से देखें, एस प्राइम फ्रेम से जब देखेंगे तो ये दोनों घटनाएं एक ही जगह पर नहीं होंगी। उस एस प्राइम फ्रेम में समय कितना लग रहा है, किस समय पर E1 हो रहा है, किस समय पर E2 हो रहा है, उसको देखें। एस प्राइम फ्रेम में जो E1 घटना को देखा जाएगा तो उसका कुछ स्थान होगा और उसका कुछ समय होगा। उसी फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में ही E2 को जब देखेंगे तो उसका कुछ अलग स्थान होगा, इसको हम 1 कह दें और इसको हम 2 कह दें, और उसका कुछ अलग समय भी होगा T2 प्राइम। अब हम T1 प्राइम को और T2 प्राइम को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार XYZT इनमें लिखेंगे। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार रूपांतरण के अनुसार ये जो T1 प्राइम है, आपको याद होगा T1 माइनस XV/C² और बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस V²/C². लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम वाला सूत्र है वो आपको ध्यान होगा, x की जगह हमने ये x रखा है और T1 ये T1 रखा है और फ्रेम s प्राइम v वेलोसिटी से चल रहा है, वो v यहाँ पर आई है। इसी तरह आप दूसरी घटना जो हो रही है T2 प्राइम, दूसरी घटना जो हो रही है E2 जिसका समय है T2 प्राइम, उसके लिए आप लिखें तो ये है T2 और माइनस XV/C² और बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस V²/C². तो आप ध्यान दीजिए जो x मैंने यहां लिखा है वही x मैंने वहां लिखा है, क्योंकि ये x क्या है, ये x E1 का और E2 का s फ्रेम में स्थान है और एक ही स्थान पर दोनों घटनाएं हो रही हैं, इसलिए वही x यहां है वही x यहां है। अब आप इनमें से घटा दीजिए तो T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम, इसमें से इसको घटा दीजिए तो जब आप घटाएंगे तो आप देख सकते हैं, जब आप इसको पूरा लिख लीजिए चाहे तो T2 माइनस XV/C²
बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम अर्थात ये टी वन माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर और तब स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ये वाला जो टर्म है ये कट गया है, देखिए ये यहाँ भी वही x है यहाँ भी वही x है, एक्स वी बाई सी स्क्वायर बटा इतना, और यहाँ भी आप देखें एक्स वी स्क्वायर एक्स वी बाई सी स्क्वायर और बटा इतना, और घटाना है आपको तो ये टर्म कट गया है और सिर्फ ये टर्म बचा है। तो आप क्या पा रहे हैं टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम बराबर टी टू माइनस टी वन बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम बराबर टी टू माइनस टी वन बटा ये इतना, और ये है इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। और ये आप देख रहे हैं ये है प्रॉपर टाइम इंटरवल। बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। टाइम इज डाइलेटेड, समय का विस्तार हो गया है, एक्सपैंड हो गया है। एस प्राइम फ्रेम से अगर देख रहे हैं तो अधिक समय लग रहा है, एस फ्रेम से देख रहे हैं तो कम समय लग रहा है। याद रखिए एस और एस प्राइम दोनों एक जैसे फ्रेम है, दोनों इनिशियल फ्रेम है, तो हमें याद ये रखना है कि जिस फ्रेम में हमारी दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हुई हैं वो है यहाँ पर, और जिस फ्रेम में अलग अलग जगह हो रही हैं वो है यहाँ पर, और ये बड़ा है और प्रॉपर टाइम इंटरवल छोटा है।